प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं मनोज सर आप सभी स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ा रहा हूं और आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से शीर्षक। आइए इसको देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय से, इसमें महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की सुंदरता और हिमालय की महानता का वर्णन किया गया। हिमालय की महानता के बारे में बताया कि हिमालय जो है वो सदियों से कितना महान है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, हे चिर महान, महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे चिर महान, ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, हे चिर महान, हे चिर महान। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे चिर महान, हे हिमालय, तू सदियों से क्या है, महान है। तेरी महानता सदियों से चली आ रही है, तू सदियों से क्या है, महान है। हे चिर महान, हे हिमालय, तू सदियों से क्या है, महान है। यह स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि मतलब क्या होता है, स्वर्ण मतलब सोने जैसा और रश्मि माने किरणें, यानी कि सुनहरी किरणें कह सकते हैं। जब प्रातः काल होता है, जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो उसको कहा गया है क्या, स्वर्ण रश्मि, यानी कि सुनहरी किरणें। छू श्वेत भाल, श्वेत मतलब सफ़ेद और भाल मतलब मस्तक को, कि हे हिमालय, जब प्रातः काल की सुनहरी किरणें छू माने का स्पर्श करती हैं, श्वेत माने सफ़ेद और भाल माने मस्तक को, जब प्रातःकाल की सुनहरी किरणें जब तेरे मस्तिष्क को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो कैसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि वर्षा जाती रंगीन हास, तो ऐसा लगता है कि वर्षा हो जाती है, वर्षा जाती है, वर्षा हो जाती है, कैसी, रंगीन, हास माने हंसी की, तो ऐसा लगता है कि हंसी की रंगीन बरसात हो जाती है। और आगे क्या है कि सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली मतलब क्या होता है, पगड़ी, सेली का मतलब क्या होता है, पगड़ी, बन जाता है, और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है तो उस समय ऐसा लगता है कि जो इंद्रधनुष है वो तेरी क्या बन जाता है, पगड़ी बन जाता है, हाँ, पगड़ी के समान बन जाता है। आगे क्या है, परिमल मल मल जाता बतास, बतास मतलब क्या है, वायु, सुगंधित वायु, और परिमल मतलब होता है चंदन, तो ऐसा लगता है, और मल मल का मतलब होता है रगड़ा जाता है या तेरे मस्तक पर लगाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि सुगंधित वायु जो है तेरे मस्तक पर चंदन लगा रही हो, मल मल कर, यानी कि रगड़ रगड़ कर चंदन लगा रही हो। आगे क्या है, पर रागहीन तू हिमनिदान, पर हे हिमालय, तू कैसा है, रागहीन है, रागहीन का मतलब क्या है कि तू रागहीन है, तुझमें कोई राग है ही नहीं, मतलब तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू हिम निदान, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, और निदान मानते भंडार, यानी कि, और तू क्या है, तू बर्फ का भंडार है, मतलब तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तू बर्फ का भंडार है। आइए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं आगे क्या है। आगे महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि नभ में गर्वित झुकता ना शीश, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुशल भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान। आगे महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि नभ में गर्वित, गर्वित माने क्या है, गर्व से उठा हुआ रहता है, नभ माने आकाश में, झुकता ना शीश, कि तेरा जो सर है वो आकाश में गर्व से कैसा है, उठा हुआ है, झुकता ना शीश, और तेरा शीश जो है, तेरा सिर है वो कभी नहीं झुकता है। पर अंक लिए है दीन छार, दीन छार का मतलब होता है दीन दुखी लोग कह सकते हैं, और दीन छार से मतलब हो सकती है जो मिट्टी है उसको भी बोल सकते हैं। अंक मतलब होता है गोद में, पर तू अपनी गोद में लिए हुए है क्या, दीन छार, दीन दुखी लोगों के यहाँ पर तुलना जो की गई, जैसे जो मिट्टी वगैरह है और बहुत सी चीज़ें हैं उनको अपनी गोद में लिए हुए है, या कह सकते हैं कि और गोद में दीनहीन मिट्टी लिए हुए है, तो क्या है कि पर अंक में लिए है दीन छार, कि तू गोद में क्या लिए हुए है, दीनहीन मिट्टी को लिए हुए है, दीन छार मतलब दीनहीन मिट्टी को लिए हुए है, कह सकते हैं कि तेरा
जो मन है वो दीन दुखियों को शरण देने वाला है, कि तू दीन दुखियों को शरण देने वाला है। आगे क्या है कि मन गल जाता नत विश्व देख, और तेरा मन जो है उस समय क्या हो जाता है, गल जाता है, हृदय तेरा नरम हो जाता है। नत माने मतलब क्या होता है, झुका हुआ, विश्व माने संसार को देख, माने देख करके, कि तेरा मन उस समय क्या हो जाता है, गल जाता है, पिघल जाता है, जब तू सारे समस्त संसार को अपनी तरफ झुके हुए देखता है। और क्या है, तन सह लेता है कुशल भार, और तेरा जो तन है वो कुशल भार यानी कि कठिन से कठिन भार भी, कठिन से कठिन प्रहार भी क्या कर लेता है, सह लेता है। और आगे क्या है, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तेरे जो प्राण कितने मृदु हैं, कितने कोमल हैं, और कितने कठिन तेरे प्राण हैं, कितने मृदु हैं, कितने कोमल हैं, और कितने कठिन तेरे प्राण हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं, ये आगे महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, बह चला दीर्घो से किंतु नीर, सुनकर जलते कल की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, हे चिर महान। आगे क्या कहती है महादेवी वर्मा जी कि टूटी है तेरी कब समाधि, कि हे हिमालय तू समाधि में लीन है, तेरी समाधि कब टूटी है, तेरी समाधि अर्थात कभी नहीं टूटी है, तू समाधि में क्या है, लीन है। और आगे कहता है, क्या कहती हैं कि झंझा लौटे सत हार हार, सत माने होता है सैकड़ों, सत माने सैकड़ों, और हार हार का मतलब होता है पराजय होकर, यानी कि हार कर लौटे हैं, झंझा मतलब आंधी तूफान, यानी कि सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकरा कर, यानी कि तुझसे टकरा कर, तुझसे पराजय होकर क्या है, लौट गए हैं, बिखर गए हैं, लौट गए हैं। और आगे क्या कहती हैं कि बह चला दीर्घों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, बह चला, आगे क्या कहती हैं, बह चला यानी कि दीर्घों से, दीर्घों मतलब क्या होता है, तेरे नेत्रों से, दीर्घों मतलब क्या होता है, नेत्रों से, कि बह चला दीर्घों से किंतु नीर, यानी कि तेरी आँखों से, तेरे नेत्रों से क्या बहने लगा, पानी की, नीर मतलब क्या होता है, पानी, जल की धारा बहने लगी, तेरे नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, कब, सुनकर जलते कड़ की पुकार, यानी कि एक जलते हुए कड़ की पुकार सुनकर तेरे नैनों से, नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, अर्थात तेरी आंखों से नीर बह चला, जब हिमालय पर बर्फ़ पिघलता है, आपने देखा होगा जब हिमालय पर बर्फ़ पिघलता है तो उसमें से क्या होता है, पानी बहने लगता है, और वह पानी नदियों और झरनों में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, कह सकते हैं कि उसी हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि तू जब जलते हुए बालू के कड़ की पुकार को सुनता है तब तेरा हृदय क्या हो जाता है, क्या लिखा हुआ है ना कि सुनकर जलते कड़ की पुकार, तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तू जब जलते हुए बालू के कड़ की पुकार सुनता है तब तेरा हृदय जो है वो क्या हो जाता है, गल जाता है, और तेरी आंखों से पानी की धारा बहने लगती है। और आगे क्या करें कि सुख से विरक्त दुख में समान, क्या करें कि तू सुख से विरक्त है, तुझे सुख से कोई मतलब नहीं है, दुख में समान, परंतु लेकिन तू दुख में कैसा है, दुख में समान खड़ा हुआ है, दुख में समान, दुख में समान खड़ा हुआ है। आगे क्या कहती है महादेवी वर्मा जी, यहाँ तक देखते हैं, आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक, मूक मतलब क्या होता है, शांत, तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हमने इस हिमालय के बारे में, इसके आचरण के बारे में जो कुछ भी बताया है, काश ऐसे ही आचरण हमारे हो जाएं, और आज इस शांत, मेरे शांत जीवन में, मूक मतलब क्या होता है, शांत, आज मेरे शांत जीवन की तेरी छाया से क्या हो जाए, मिलाप, तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी छाया से मिलाप हो जाए, अर्थात जो गुण तुम्हारे अंदर हैं वही गुण मेरे अंदर आ जाएं, वैसा ही मेरा आचरण हो जाए। और क्या कह रही हैं, तन तेरी साधकता छूले, जो मेरा तन है वो तेरी साधकता मतलब तेरी साधना को क्या कर ले, स्पर्श कर ले, छू ले, मन ले करुणा की था नाप, और मेरा जो मन है वो तेरे करुणा की था मतलब गहराई को क्या कर ले, माप ले, नाप ले। और आगे क्या कहती हैं कि उर्मे पावस दृग में बिहान, आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा जो शरीर है वो तेरी साधना को स्पर्श कर ले अर्थात छू ले, और मेरा मन तेरी कामना की गहराई को नाप ले अर्थात तेरे नरम हृदय की गहराई को भी नाप ले। और लास्ट में क्या है कि उर्मे पावस दृग में बिहान, कहती हैं कि उर्माने मतलब क्या होता है, हृदय में, और पावस मतलब क्या होता है, बरसात, कि मेरे हृदय में क्या है, वर्षा का निवास है, और दीर्घ मतलब क्या है, नेत्रों में बिहान, बिहान मतलब क्या है, और नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य क्या है, विद्यमान है।
तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये महादेवी वर्मा जी ने हिमालय के बारे में बताया, यानी कि हिमालय की सुंदरता और उसकी महानता का वर्णन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चर्चा कर लेते हैं कि इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो पहले हम आपको इसके संदर्भ बता देते हैं, आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित कृति सांद गीत। ये कहाँ से लिया गया है? इनकी कृति है सांद गीत, वहाँ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित कृति सांद गीत से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में, किस खंड में? ये काव्यखंड में। तो काव्यखंड में हिमालय से, ये शीर्षक कौन सा है? हिमालय से। आप लिखेंगे हिमालय से नामक शीर्षक कविता से संकलित है या लिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये क्या हो जाएगा? इसका संदर्भ हो जाएगा। और प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की सुंदरता और हिमालय की महानता के बारे में बताया है। तो ये इसका आपका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और व्याख्या हमने अभी आपको बता दी। अब रह गया इसका क्या? काव्य का सौंदर्य। तो आप इसमें काव्य का सौंदर्य लिख लेंगे। इसका काव्य का सौंदर्य आप किस प्रकार से लिखेंगे? काव्य का सौंदर्य आप इस प्रकार लिखेंगे, आप काव्य का सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और उसमें एक लाइन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने हिमालय को देखकर उसके महान गुणों को अपने मन में सहजने की कामना की है या कामना कर रही हैं, और यहाँ हिमालय का मानवीकरण किया गया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे भाषा। भाषा आपकी क्या होगी? भाषा आपकी होगी साहित्यिक हिंदी। रस आपका क्या होगा? शांत रस होगा। गुण आपका क्या होगा? गुण में आप लिखेंगे माधुर्य। और अलंकार लिखेंगे आप मानवीकरण, अनुप्रास, रूपक और उपमा। ये सारे अलंकार होंगे इस संपूर्ण कविता के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से ये जो आपका शीर्षक था महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से, ये आपका पूर्ण हुआ। और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको एक से दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये ज़रूर आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जीवन परिचय के साथ, एक नए राइटर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।